अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मज़े में हैं? क्या हो रहा है भाई? खेल कूद? चलें अब थोड़ी पढ़ाई की बात करते हैं। हम किस क्लास में हैं? कौन सी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं? फोनेमिक राइम की। जी, और फोनेमिक राइम में तो हम बहुत ही मज़ेदार सी एक्टिविटीज़ करते हैं, कितनी सारी स्टोरीज सुनते हैं, राइम पढ़ते हैं और बहुत सारी रीडिंग भी करते हैं, नई पिक्चर्स भी देखते हैं, नए वर्ड्स भी पढ़ते हैं। कितना मज़ा आता है, आता है ना? तो आज भी हम कुछ मज़ेदार सा काम करेंगे। आपको पता है कि हमने लास्ट कौन सी स्टोरी सुनी थी? कौन सी स्टोरी हमने सुनाई थी आपको? मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी जिसमें अहमद और उनके डैड जो है वो कहाँ गए थे? लैब में गए थे। बिल्कुल ठीक, याद आया आपको? और लैब तक जाने के लिए उन्होंने क्या किया था? कैब ली थी। बिल्कुल सही। फिर जब लैब में गए तो अहमद के डैड ने अहमद से कहा था कि भाई आप मेरी हेल्प करेंगे। अहमद एग्री हो गए थे। और फिर अहमद ने थोड़ा सा काम भी किया था डैड का। क्या था? उन्होंने गैस को टर्न ऑफ किया था, फिर टैब को भी चेक किया था, ऐसे ही था। और फिर जब उन्हें वापस घर जाना था तो उन्होंने फिर कैब ली थी और घर गए थे, ऐसे ही था। पूरी स्टोरी याद आ गई आपको? शाबाश। अच्छा, अब आज पता है क्या काम करना है? आज जो हमने काम करना है उसके लिए आप अपनी बुक का पेज नंबर 13 ओपन कीजिए, 1313। ठीक, पेज नंबर 13 ओपन करें। देखें पेज नंबर 13 पे क्या चीज़ है भाई? चलें मिलके देखते हैं कि यहाँ पे है क्या और हमें काम क्या करना है। चलें मेरे साथ देखें क्या है। ये रहा हमारा पेज नंबर 13। आपको पता है जब हम बुक के पेज पे काम करते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले तो आ जाती है भाई डेट, ठीक है ना? तो डेट आप मेंशन कीजिए, अपनी मम्मा से करवा लीजिए। उसके बाद हमें देखने होते हैं आइकन्स। तो इस पेज पे भाई कितने आइकन्स हैं? मुझे पता है मुझसे पहले आप बोल रहे होंगे क्योंकि आपको आइकन्स की बहुत अच्छे से पहचान हो चुकी है। यहाँ पे हमारे पास दो आइकन्स मौजूद हैं। फर्स्ट वन इज रीड, 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 वेरी गुड। एंड द सेकेंड वन इज कलर, 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 गुड। इसका मतलब इस पेज पे कितने काम हैं? दो काम हैं, रीड और कलर। तो चलें रीड करें, स्टार्ट करें। मुश्किल तो नहीं है, चलें देखते हैं भाई आज हम कितनी अच्छी रीडिंग करते हैं। अच्छा जी, किस चीज़ की पिक्चर है ये? यस, दिस इज़ अ कैब, गुड। दिस इज़ अ कैब, वेरी गुड। साथ रिपीट कीजिए, कैब, गुड, वेरी गुड। अच्छा, कैब के साथ क्या है? ओह, दिस इज अ लैब, गुड। दिस इज अ लैब, गुड। दिस इज अ लैब। कौन गया था लैब में? अहमद गए थे। किसके साथ? डैड के साथ गए थे। बिल्कुल सही। अच्छा जी, ये क्या है? दिस इज एस, गुड, एस, गुड, एस, वेरी गुड। अच्छा, ये किस चीज की पिक्चर है? दिस इज गैस, गुड, गैस, वेरी गुड, गैस। आप अपने बाबा के साथ जब बाहर जाते हैं तो फिलिंग स्टेशन पे जाते हैं, किसी पंप पे, पेट्रोल पंप वगैरह पे, सीएनजी स्टेशंस पे जाते हैं आप, ऐसी जगहों पे? वहाँ पे आपके बाबा क्या कराते हैं? आपकी गाड़ी में वो सीएनजी गैस फिल करवाते हैं, ठीक है ना? अच्छा, तो हमने यहाँ पे भाई कुछ पिक्चर्स देखी। अच्छा जी, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आप मुझे बताएं वेयर इज कैब, कैब कहाँ है? क्या ये कैब है? नो। ये नीचे, ये कैब है? नहीं। ओह, हेयर इट इज, यस, दिस इज कैब। और कैब में कौन बैठ के गया था? अहमद और उनके डैड गए थे। कहाँ गए थे? लैब गए थे। बिल्कुल सही। अच्छा, नाउ टेल मी वेयर इज गैस, गैस कहाँ पर है? ये, नो, दिस वन, नो, ओह, हेयर इट इज, यस, दिस इज गैस, 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 वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे बताइए वेयर इज लैब, लैब कहाँ है? इज दिस लैब? नो। इज दिस लैब? नो। ओह, हेयर इट इज, यस, दिस इज लैब, वेरी गुड। मेरे साथ रिपीट कीजिए, लैब, गुड, लैब, गुड, लैब, वेरी गुड। अच्छा, एक चीज रह गई भाई पूछना। क्या? वेयर इज एस, एस कहाँ है? दिस वन? नो।
दिस वन नो हो हेयर इट इज दिस इज एज वेरी गुड. अच्छे से आपको पहचान हो गई है. चले एक दफ़ा में एक सवाल भी और रह जाता है, आपको पता है मेरा, वो मैं क्या पूछती हूँ आपसे, वॉट इज दिस, दिस इज कैब, वेरी गुड, दिस इज कैब, गुड. वॉट इज दिस, लैब, वेरी गुड. मुझे पता है आपने फौरन ही, जैसे ही मैं फिंगर रखती हूँ आप फौरन बता देते, शाबाश. दिस इज लैब, गुड. वॉट इज दिस, एज, गुड, एज, वेरी गुड. एंड वॉट इज दिस, गैस. वॉट इज दिस, गैस, वेरी गुड. तो आज हमने कितने सारे वर्ड्स की रीडिंग सीखी है भाई. इन सारी चीज़ों की पिक्चर की भी पहचान हो गई है आपको, और इन वर्ड्स की हमें रीडिंग भी आ गई है. ऐसे ही है, आपको समझ में आया या नहीं आया, पिक्चर समझ में आ गई, इनकी पहचान भी हो गई, और वर्ड्स को रीड करना भी हमने सीख लिया. अरे अरे, काम ख़त्म नहीं हुआ भाई, एक काम तो और बाकी है, आपका सेकेंड आइकन. सेकेंड आइकन किस चीज़ का है, कलर. ये तो बहुत ही मज़ेदार सा काम है, हमने कलर करना है. और आपको पता है ना, जब हम पिक्चर्स में कलर करते हैं तो हम क्या करते हैं, कलर हमेशा अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन करते हैं, ठीक है ना. तो इन पिक्चर्स में बहुत ही अच्छी सी कलरिंग करनी है हमने, ठीक. और उसके बाद पता है क्या करना है, जब आप अपनी कलरिंग भी फिनिश कर लेंगे तो उसके बाद आपने इस पेज की तस्वीर यानी इस पेज की पिक आप अपनी टीचर को सेंड करेंगे. और पता है क्या कीजिएगा, घर में अपनी मम्मा को इन तमाम वर्ड्स को रीड करके भी बताइएगा कि आपको कितनी अच्छी रीडिंग आ गई है. ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़.